दो व्यापारी जंगल से गुजर रहे थे, एक जौहरी था और दूसरा लोहे का व्यापारी था। दोनों के पास एक एक गधे थे। जौहरी के गधे की पीठ रेशम से कपड़े से ढकी थी और वो कीमती स्वर्ण आभूषणों और हीरे जवाहरों से भरे दो थैले अपनी पीठ पर लादे हुए था। वही लोहे के व्यापारी गधे की पीठ पर साधारण कपड़ा था और वो लोहे की छड़े अपनी पीठ पर लादे हुए था। जौहरी के गधे को इस बात का घमंड था कि वो स्वर्ण आभूषण और हीरे जवाहरात लाद कर ले जा रहा है। वो बार बार अपनी बातों से लोहे के व्यापारी के गधे को नीचा दिखा रहा था। लोहे के व्यापारी के गधे को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो चुपचाप जौहरी के गधे की बातें सुन रहा था। अचानक डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। डाकुओं को देखते ही दोनों व्यापारी डर के मारे अपने गधों को छोड़कर भाग गए। डाकू गधों की पीठ पर लादे सामान देखने लगे। उन्होंने देखा कि लोहे के व्यापारी के गधे पर लोहे की छड़ लदी हुई है। कीमती सामान ना देखकर उन्होंने उसे भगा दिया। जौहरी के गधे की पीठ पर कीमती सामान था। उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसकी पीठ से कीमती सामान निकालने लगे। गधा जब भी विरोध करता, वे लाठी से उसकी खूब सुताई करते। घमंडी गधे को उसके घमंड का फल मिल गया था।